जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द हम लोग ने गेम रनिंग दैट्स अ गेसिंग गेम इन पाइथन, हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं कहता हूं कि मेरे पास सीक्रेट जो नंबर है वो मैंने उसको ले लेता हूं, कहता हूं कि ये मेरे पास है 9, 9। तो मैं दूसरी चीज कहता हूं कि आई इक्वल्स टू मेरे पास जो मेरे पास नंबर ऑफ काउंट्स है, मैं कहता हूं आई इक्वल्स टू 0, राइट। और सेकेंडली मैं कहता हूँ लिमिट जो मेरे पास इसकी है कैलकुलेट करने की, वो मैं कहता हूँ दैट्स माय 3, ठीक है। मैक्सिमम एक यूजर के पास 3 दफा वो इसको ट्राई कर सकता है अपना नंबर। तो मैं कहता हूँ व्हाइल आई इज लेस देन लिमिट, ठीक, उसके बाद कॉलन। तो हमारे पास अब यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि आई की जगह पर रिप्लेस कर दूं इसकी जगह पर गैस काउंट, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इसको शिफ्ट करूँ F6 के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास शिफ्ट F6 के साथ फंक्शन के साथ वो रिप्लेस कर देगा मेरे पास आई की जगह पर। या सेकेंडली आप इसको लेकर आए तो आपके पास जो माउस के साथ ये रिफ्लेक्टर के अंदर आप रीनेम का आ जाएगा शिफ्ट F6। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर कहता हूँ आई की जगह पर इसको जो रिप्लेस करता हूँ, मैं कहता हूँ गैस काउंट, इसको काउंट, ठीक है, इसको मैंने कह दिया फैक्ट। तो वो जो मेरे पास प्रॉपरली पूरे प्रोग्राम के अंदर उसको वो चेंज कर देगा गैस काउंट के साथ, ठीक है। अगर मैं सेम चीज लिमिट के साथ करूं, मैं उसके लेकर आया उसको मैंने किया लेट्स से रिफ्लेक्टर रीनेम, इसे मैंने कह दिया कि दिस इज माई गैस लिमिट, इसको मैंने कहा गैस की लिमिट, ठीक, और इसको मैंने चेंज किया। तो पूरे का पूरा प्रोग्राम है, एक दफा आप करेंगे तो पूरा आपके वेरिएबल चेंज हो जाएगा पूरे का पूरा प्रोग्राम के अंदर। अब ये बहुत ज्यादा हमें देखने में समझ भी में पढ़ा जा रहा है। तो अब इसके अंदर मैं ये कहता हूँ इनपुट लिया मैंने विद द नेम ऑफ अ गैस सिंगल कोटेशंस में कॉलन, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास गैस है। तो ये मेरे पास बेसिकली इसको ले लेते हैं एज अ इंटीजर। तो मैं कहता हूँ कि ये इसका मेरे पास एज अ इंटीजर है, ये आपने डिफाइन कर दिया इंट, और इसको आपने प्रॉपरली पूरे का पूरा नाम दे दिया गैस के तौर पे, ठीक है जी। आपने ये गैस के नाम पर दे दिया। आपने यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ से कहा कि मेरे पास जो गैस है जो मेरे पास गैस है इक्वल्स टू गैस काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है इक्वल्स टू विथ माय 1, ठीक है जी। अब यहां पर हम लगा लगाते हैं इफ के लूप, हम कहते हैं इफ गैस इक्वल्स टू, हम कहते हैं यहां पर सीक्रेट नंबर, राइट, उसके बाद हमारे पास कॉलन, और यहां पर कहते हैं प्रिंट सिंगल कोटेशन में U1। उसके बाद हम इसको यहां से बाहर निकलते इसको यहां से बाहर निकालते हैं। उसके बाद यहां से हम लोग लगाते हैं एल्स, एल्स लगाने के बाद हम कहते हैं प्रिंट सिंगल कोटेशन में सॉरी यू फिट। अब इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले इसको अब हम लोगों ने किया गैस काउंट इज लेस देन गैस लिमिट, ठीक है, 0 इज लेस देन 3, फाइन। हम लोगों ने किया गैस लिया फ्रॉम द यूजर, जब यूजर ने लेट्स से 1 to 9 के 1 to 10 के दरमियान में कोई प्रिंट किया बिकॉज द सीक्रेट नंबर इज 9। तो अगर वो तीनों में फेल हो जाता है तो वो तब करेगा ये प्रिंट करा देगा ये वाइल के साथ ये एल्स लगी। अगर वो करता है पहले सीक्रेट नंबर प्रेस करता है तो वो सीक्रेट नंबर लेने के बाद वो कहेगा U1, ठीक है जी। अब इसको हम लोग इसको करते हैं रन। जब रन किया तो इसने यहाँ पर सीक्रेट नंबर लिया लेट्स से मैंने कहता हूँ 1, तो उसने लिया 2, फिर कहते हैं 3, तो वो कहेगा सॉरी यू फेल, दैट्स फाइन। अब इसको मैं दोबारा रन किया, अब मैं इसको कहता हूँ लेट्स से 7, उसके बाद मैं कहता हूँ 9, अब ये मुझे कहता है U1 के बाद ये दोबारा ले रहा है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास while लूप के अंदर जाकर
हमारे पास इफ के अंदर हम लोग जो व्यू वन करें तो यहाँ पर आप उसको सिंपल कह दें ब्रेक का फंक्शन आप यूज करते हैं, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बार बार आपको गैस का नहीं पूछेगा, तीसरी दफा टर्न नहीं पूछेगा। लेट्स ट्राई और ना, अब मैं ऐसे कहता हूँ स्टॉप एंड रिटर्न, ओके। तो अब मैं कहता हूँ यहाँ पर 9, तो वो कहेगा यू वन। अब वो वापस दोबारा नहीं ले रहा, नेक्स्ट यूजर से वो नहीं नंबर ले रहा, तो इसका मतलब अगर मैं दोबारा इसको ट्राई करूं, रन करूं, इफ आई रन विद प्रोग्राम, जैसे मैं कहता हूं पहले जो मैंने किया 1 5 7, अब मैंने किया यू सॉरी यू फेल्ड। अगर दोबारा मैं इसको करता हूं रन रैम को, और मैं सिंपल इसको 9, ओके यू वन, तो ये मेरे पास बिल्कुल प्रोग्राम है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, और ये एक बड़े जबरदस्त गैस प्रोग्राम है, गैसिंग गेम है इन पाइथन यूजिंग व्हाइल लूप। इस व्हाइल के अंदर आपने एल्स को यूज किया, इफ के अंदर आपने इसको ब्रेक का यूज किया हुआ है। तो ये आपका भाई अच्छा एक ट्यूटोरियल है फॉर लर्निंग, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो आपको प्लीज जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।